hello students today we are going to study about general characters of gymnosperms gymnosperms are the plants that comes after pteridophytes in the plant kingdom there are some general characters in these general characters first we will study about habit then occurrence then the morphological characters in the habit

Herbaceous and juice perennials. They live for many years, and they are having tree habit. The tallest tree is found in these uh, group of plants, and the tallest tree is sequoia sempervirens, which is of genus sequoia, approximately three hundred sixty-six feet in height. Now the second character is.

मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इफ यू टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी प्लांट बॉडी इज स्पोरो द डोमेंट प्लांट बॉडी विच यू सी इज स्पोरोट इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू ट्रू रूट स्टेम एंड लीव जो कि हमें कहां से मिलना स्टार्ट हुई टेरिडोफाइड से जबकि ब्रायफाइड्स में क्या थे ड्राइजॉइड्स थी स्टेम एक्सिस थी लीव्स फ्यून एरिया के अंदर फॉल्स थी लेकिन ट्रू लीव्स एबसेंट थी बट हमें टेरिडोफाइट्स में ट्रू रूट स्टेम और लीव का डिफरेंशिएशन मिल गया था प्लांट किंगडम के अंदर नाउ द रूट सिस्टम रूट सिस्टम इन दीज प्लांट्स इज टैप रूट सिस्टम इन ऑलमोस्ट ऑल द जिमनोसफॉर्म टैप रूट सिस्टम इज फाउंड टू एंकर द प्लांट इन द Soil, क्योंकि इतने जो प्लांट हैं इतनी हाइट है जैसे आपने शिकोया सैम्पर वायरेंस में एग्जाम्पल देखा तो उस हाइट के प्लांट्स को या फिर जो वुडी प्लांट्स हैं उनको एंकर करने के लिए कैसे रूट्स चाहिए हमें रूट सिस्टम ताकि इन प्लांट्स को विद इरेक्ट विद स्टैंड कर सकें लेकिन अदर देन टैप रूट सिस्टम दे आर फाउंड अदर टाइप्स ऑफ रूट्स इन सम ग्रुप्स दीज आर कोरलॉइड रूट्स विच आर फाउंड इन साइकेट्स कॉरेलॉइड रूट्स एंड द अदर ग्रुप ऑफ रूट आर माइक्रोराइजल रूट विच आर फाउंड इन कॉनिफरे में साइकस और कॉनीफर में डिस्कस करेंगे द स्टेम इज इरेक्ट एंड ब्रांच ब्रांच है मैक्सिमम में बट इट इज अनब्रांच इन साइकेट्स तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइकेट्स के अंदर द स्टेम इज अनब्रांच लीव्स आर ऑफ डायमोर्फिक दीज आर ऑफ टू टाइप्स फॉलिएज लीव्स एंड स्केल लीव्स। फॉलिएज लीव ग्रीन लीव्स होती हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर सक करती हैं और ये लीव्स सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी हो सकती हैं अलग अलग जीनस में अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग हैं स्केल लीव्स ब्राउन कलर की स्मॉल लीव्स होती हैं जो कि प्रोटेक्शन का काम करती हैं जो मैगापोरोफिल्स है उनको ना इन द मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स देयर ऑल्सो कम्स जीरोफिटिकबिट्स क्योंकि ये कूल टेम्परेट रीजन्स में मिलते हैं और इन वार्म क्लाइमेट्स तो इनके अंदर क्या होती हैं कोल्ड टेम्परेट रीजन में रहने के लिए कुछ जीरोफिटिक करेक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो वहां पर सर्वाइव कर पाते हैं दीज आर अडेप्टशंस सो देअर इज प्रजेंस ऑफ थिक बार्क दे हैव थिक बार्क ऑन देयर स्टेम वेरी थिक हाइपोडरमिस थिकूटिकल स्केल लीव आर प्रेजेंट टू कवर द होल स्टेम एंड अदर न्यू पार्ट्स संकन स्टोमेटार फाउंड एंड देर इज प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफ्यूजन टिश्यू ये सब डिटेल में आपको जब टाइप स्टडी में बताएंगे इन सम जिम्नोस्पम्स लीव्स आर निडिलइक निडिल्स दीज आर वेरी थिन एंड दिस दिस निडिल दीज आर लैदरी टू कॉम्बैक्ट वाटर स्ट्रेस इन एयर एंड कोल्डर रीजन्स कुछ जिम्नोस्टम्स में क्या होती है लीव्स लैदरी होती हैं जिससे कि जो वाटर स्ट्रेस है एयर और कोल्डर रीजन्स में तो वहाँ पर क्या होता है वो जो लैदरी लीव्स है स्टोरिंग वाटर तो उससे चिलिंग और फ्रॉस्ट इंजरी इनके अंदर नहीं होती है उससे ये प्रोटेक्ट करके रखती हैं बाय स्टोरिंग वाटर सो These are the xerophytic habits. So up to here these are morphological characters. Now anatomical features. Anatomical features may first of all root. The root is die to poly arc in arrangement of xylem. This is the section of tap roots. In this there is xylem and this is phloem from green color and from red color there is xylem so it is diarch here Diarch matlab is tarikis. the arc to arc tetrarch means in this arrangement Polyarch means many so it is diarch to polyarch in arrangement of xylem tannin storing cells are found in cortex region

आउटर और इनर कॉर्टेक्स में डिवीज़न हो जाता है और जो मिडिल कॉर्टेक्स होता है उसमें लार्ज साइज की सेल्स होती हैं इस तरीके से इलांगेटेड रेक्टेंगुलर शेप और इनके अंदर नॉस्टॉक और एनाबियना की कॉलोनीज प्रेजेंट होती है जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है इज हैविंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद दिस रूट्स माइक्रोराइजल रूट शोज सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंजाई माइकोराइजल रूट्स ऑफ किसकी बताई थी कॉनिफर्स इन द कॉनिफर्स द माइकोराइजल रूट्स हैज बेनिफिशियल फंजाई एंड दैट हैव सिंबायोटिक एसोसिएशन विद दिस हायर प्लांट्स रूट्स सो दिस इज द टीएस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स टैप रूट इन दिस देयर इज आउटर मोस्ट एपिडर्मिस देन देयर इज अ हाइपोडर्मिस 2 टू 3 लेयर थिक And there is a cortical region of parenchymatous cells. These parenchymatous cells are having some storage cells that store tannin. This red color is tannin cells. After that, uh, the cortex is followed by endodermis. Endodermis is single cell thick layer having Casparian strips, and then it is followed by pericycle. ज नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड एंड द वेस्कुलर बंडल इज हैविंग जायलम एंड फ्लोएम इन डाईआर्क अरेंजमेंट हेयर डाईआर्क अरेंजमेंट में क्या है इस तरीके से ये डाईआर्क में अरेंज होता है टू आर्क प्रेजेंट होती हैं वन इस वन दिस साइड एंड वन दिस साइड अब इसमें क्या है जयलम एंड फ्लोएम ऑल्टरनेटिंग है और ये यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम है इट इज ऑन आउटर साइड एंड मेटाजाइलम इज ऑन इनर साइड सो इट इज एग्जार्क इन कंडीशन एंड इट इज हैविंग कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल आफ्टर रूट एनाटमी ऑफ लीव्स, द लीव्स इन जिम्नोस्पम्प आर हैविंग थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा संकन स्टोमेटा क्या होते हैं जो कि अंदर डीपली सिचुएटेड होते हैं इन द कैविटीज एंड देयर इज फाउंड हैप्लोचिलिक टाइप ऑफ स्टोमेटा सो दीज आर संकन स्टोमेटा संकन स्टोमेटा में क्या है ये एपिडर्मिस है एंड सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स गेट अरेन्ज इन सच ए मैनर टू फॉर्म अ कैविटी और इस कैविटी में क्या है ये देखो दीज एपिडर्मल सेल्स आर हैविंग हेयर्स एपिडर्मल हेयर्स एंड दीज आर गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा so these stomata are present in this pit or cavity। इससे क्या होता है जो moisture है जब ट्रांस uh, trans, <coughs> transpiration होता है तो जो moisture है evaporate हुआ जो water, वो जो transpire होगा वो यहाँ रहता है तो उसकी वजह से जो बाहर का temperature है और जो stomata के contact में जो ये एनवायरमेंट है यहाँ का टेम्परेचर है वो डिफरेंट रहता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज वेपर्स और ये जो हेयर्स हैं वो उस वेपर्स को बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने पर बाहर नहीं ट्रांसपायर होने देते हैं तो उससे क्या होता है जो वाटर लॉस है वो डिक्रीज होता है सो दीज आर हैविंग सन कंस्ट्रोमेटा इन लीव्स मिजोफिल टिश्यू जो कि क्या करता है फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है दिस मीजोफिल इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू palisade and spongy parenchyma palisade and spongy parenchyma palisade cells are this type and spongy parenchyma me the cells are of this type here is present in this chloroplast but in pinus where the leaves are in form of needle there is found star shaped cells special star shaped cells are found in pinus पैलीसेड और स्पंजी का इमा नहीं होते हैं लेटरल वीन्स आर एब्सेंट सिंगल मिड वीन इज प्रेजेंट लेटरल फॉर कॉम्बेट दैट एबसेंस ऑफ लेटरल वीन्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफ्यूजन टिश्यू फॉर लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर तो जो लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर होगा फॉलियज लीव के अंदर वो किसके थ्रू होगा ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के थ्रू लेटरल वीन्स उसमें एबसेंट है

and there is presence of phloem parenchyma. Companion cells are absent except in netum where companion cells are present and the wood is monozylic or Pycnozylic So this is all about the anatomical characters of gymnosperms. In next lecture we will uh, study about the reproductive characters of gymnosperms.